कोविड के टाइम पे हम ग्लोबली किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं और इसी वजह से हम घर बैठे बैठे किसी भी कंपनी के लिए इंटरव्यू भी दे सकते हैं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, 1 से 1.5 साल पहले जैसे हमारे फिजिकल इंटरव्यूज़ ज़्यादा होते थे, अब हमारे फ़ोन पर या वीडियो कॉलिंग पर ज़्यादा इंटरव्यू होने लगे हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे इन दोनों इंटरव्यूज़ में क्या फ़र्क है और कैसे हम एक वर्चुअल इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं और उसको क्रैक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अशप्रीत सिंह है और मैं जोश स्किल्स ऐप पर इंटरव्यू कोर्स एक्सपर्ट हूँ। तो चलिए अब समझते हैं कि वर्चुअल इंटरव्यूज़ और नॉर्मल इंटरव्यूज़ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले इंटरव्यू की तैयारी करते हुए या इंटरव्यू देते समय एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। दैट मीन्स आपकी बॉडी जो है, एक तो अभी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ बट ऐसे कुछ मैसेजेस हैं जो मेरी बॉडी के, मेरे हैंड जेस्चर से, मेरे आई कांटेक्ट, मेरे पोस्चर से, ये सब मैसेजेस आपको सबकॉन्शियसली मिल रहे हैं। एक वर्चुअल इंटरव्यू में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है बॉडी लैंग्वेज के अंडर। सबसे पहली बात है आई कॉन्टैक्ट, कि जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो आपका आई कॉन्टैक्ट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हमें हेजिटेशन होना शुरू होती है या हम किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाते, तो अगर हम ऑफलाइन इंटरव्यू में होते हैं तो हम इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं रूम में। सिमिलरली अब अगर मैं वहाँ देख के बात करूँ या ऐसे देख के बात करूँ, आपको लगेगा ये मेरे से थोड़ी बात कर रहे हैं, या फिर आपका वीडियो में भी कनेक्शन लूज़ हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप वर्चुअली इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सीधा कैमरा में देखें, जिससे कि ये लगेगा, फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं कैमरा में देख रहा हूँ तो आपको लग रहा है मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ कैमरे के थ्रू। और सिमिलरली जब आप इस तरीके से देखकर बात करेंगे, कॉन्फिडेंटली बात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली रिक्रूटर को भी यही लगेगा। इसके बाद बात आती है हैंड जेस्चर्स की। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ हाउ आई नेचुरली स्पीक, कि जब भी मैं बात कर रहा होता हूँ तो मैं अपने हाथों को यूज़ करता हूँ अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। आपको एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है और इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अपने किसी फ्रेंड को, मान लीजिए आपकी जो वीडियो कॉल है, इंटरव्यू की वीडियो कॉल है, वो गूगल मीट पर है, जूम पर है या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल है, आप अपने किसी फ्रेंड को लीजिए कॉल पर और आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए अपना फ्रेम सेट करके। उसमें प्रैक्टिस कीजिए कि जब आप अपने हैंड मूव कर रहे हैं तो क्या आपके फ्रेम से बाहर जा रहे हैं, फ्रेम के अंदर हैं, किस तरीके से लग रहे हैं। आप इवन रिकॉर्ड करके भी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है स्माइल की। स्माइल जो है वो कॉन्स्टेंटली आपके चेहरे पे होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ठहाके लगाने लग जाएं, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाएं, बट एक नॉर्मल सिंपल स्माइल आपके चेहरे पर रहेगी तो ऑटोमेटिकली वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगी जब भी आप एक वर्चुअल इंटरव्यू दे रहे हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज़ कि आप किस तरीके से ड्रेसअप होते हैं। एक हमें जो वर्क फ्रॉम होम के टाइम पर आदत पड़ गई है, जब भी हमारी वीडियो कॉल होती है हम ऊपर ऊपर से रेडी हो जाते हैं बट नीचे वी आर इधर इन शॉर्ट्स या हम पजामा में हैं। तो हमें ये नहीं करना, इस वीडियो को बनाते टाइम मैं भी ये कर सकता था बट नहीं, आई ड्रेस्ड अप प्रॉपरली। बिकॉज जब आप एक प्रॉपरली ड्रेसअप होते हैं तो आप उस अटायर में एक फील आ जाती है जिससे आपको लगता है हाँ अब मैं पूरे तरीके से तैयार हूँ। और इस तरीके से जो हमारा ब्रेन है एक सिग्नल को परसीव करता है, तो इसीलिए जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप प्रॉपरली एक चेयर टेबल पर बैठे, जब भी आपकी कहीं पे भी वीडियो कॉल है प्रॉपरली तैयार हो, जैसे आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं इंटरव्यू देने उसी तरीके से तैयार हो, क्योंकि इससे आपके ब्रेन को एक सीरियस सिग्नल जाएगा और ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी है उस तरीके से रिएक्ट करनी शुरू हो जाएगी। एंड द लास्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज को लेकर, वो है आपका पोस्चर। जितना इंपॉर्टेंट आपका पोस्चर एक फिजिकल इंटरव्यू में है, एक ऑफलाइन इंटरव्यू में, उतना ही इंपॉर्टेंट और इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक वीडियो कॉल में है। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रहता है एक वीडियो कॉल इंटरव्यू में वो बहुत मिनिमल हो जाता है। एक स्क्रीन के अलावा आप कुछ और नहीं देख सकते, एंड सिमिलरली फॉर द रिक्रूटर, तो उनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है। तो इसीलिए आपका जो पोस्चर है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे ढीले ढाले होकर बैठे, नहीं, प्रॉपरली बैक स्ट्रेट करके आप पूरा स्ट्रेट फेसिंग फ्रंट कैमरा, अपने जो कैमरा है उसमें देखेंगे, ताकि एक बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप बहुत प्रेजेंटेबल लगें। तो आपको बॉडी लैंग्वेज में किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपका आई कॉन्टैक्ट, सेकेंड आपके हैंड जेस्चर्स, थर्ड आपका जो स्माइल है वो रहनी चाहिए, फोर्थ आप किस तरीके से तैयार हो रहे हैं, एंड लास्ट आपका जो पोस्चर है। उसके अलावा जो एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो कॉल इंटरव्यू को लेकर, वो है हमारे एटिकेट्स। एज इन जब हम किसी से वीडियो पे बात कर रहे हैं तो ऐसे कौन से एटिकेट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? फॉर एग्जांपल जब भी आप किसी इंटरव्यू को दे रहे हैं, जूम पर दे रहे हैं, किसी भी तरीके से दे रहे हैं, सो चांसेस आर हायर कि जो आपका रिक्रूटर है वो लैपटॉप पर आपका इंटरव्यू ले रहा हो। और अगर आप फ़ोन से, अगर मान लीजिए आपके पास लैपटॉप नहीं है और आप फ़ोन से ही वीडियो कॉल्स करते हैं जूम पर या गूगल मीट पर, तो हम फ़ोन को सीधा रख देते हैं,
पोर्ट्रेट मोड में रख देते हैं, तो उससे क्या होता है जो रिक्रूटर है उसकी स्क्रीन पर आप इतने से दिखेंगे। हमें ये नहीं करना, हम फ़ोन को स्लैंटिंग रखेंगे, हम लैंडस्केप मोड में रखेंगे, जिससे कि आप पूरे तरीके से अपने रिक्रूटर की स्क्रीन पर दिखेंगे और वो ब्लैक एरिया मिस आउट हो जाएगा। और ये बहुत सारे इंटरव्यू लेते टाइम मैंने भी रियलाइज़ किया है कि अक्सर ऐसा होता है कि वो ब्लैक स्क्रीन दिख रही होती है, वो बहुत अजीब लगती है, तो आप इसको इस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बैकग्राउंड, कि आपके बैकग्राउंड में क्या बहुत सारा इधर उधर का सामान खिल रहा बिखरा हुआ है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। कि अगर आपके बैकग्राउंड में लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि सिंपल आप एक ट्यूब लाइट के ऑपोजिट जाके बैठ जाइए। मान लीजिए अगर आपके सामने वाली दीवार पर एक ट्यूब लाइट है, तो उसके अगेंस्ट अगर आप बैठ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके फेस पर अच्छे से लाइट पड़ेगी। और अगर ऐसा है कि आपके घर पे कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, क्लियर बैकग्राउंड नहीं है, तो सिंपल आप एक प्लेन चद्दर भी लटका सकते हैं, जिससे कि आपका जो बैकग्राउंड है वो क्लीन लगेगा और वो नीट एंड क्लीन लगेगा और एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा रिक्रूटर पर, क्योंकि ये एक बेटर वाइब क्रिएट करेगा। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंटरनेट कनेक्शन। ये मेक श्योर कीजिए कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो प्रॉपर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि उस टाइम पर कोई कॉल ना आए, या अगर मान आप एक दो सिम का फ़ोन है तो उसमें भी अक्सर ये होता है कि इंटरनेट बंद हो जाता है, तो आप इन चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। या फिर अगर आपके घर पे ब्रॉडबैंड या वाईफाई कनेक्शन है, तो मेक श्योर कीजिए कि उस टाइम पे आपका इंटरनेट प्रॉपरली चल रहा हो। जो अगली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, मान लीजिए घर पे आपके बहुत शोर है, तो आप उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं? आप घर वालों को रिक्वेस्ट कीजिए कि थोड़े टाइम के लिए वो शांत रहें, ताकि आप आराम से अपना इंटरव्यू दे सकें। बट मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर गली में कुछ चल रहा है या साइड में कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? मान लीजिए अगर मैं रिक्रूटर हूँ और मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, तो जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपने आप को म्यूट पे कर ले, ताकि जो डिस्टर्बेंस है वो कम हो जाए, आपको मेरी बात प्रॉपर्ली समझ आ पाएगी और आप प्रॉपर्ली रिएक्ट कर पाएंगे। और जब आपको अपना जवाब देना हो, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना जवाब दे सकते हैं। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये कि साउंड चेक कर लें। आइडली यही होगा, अगर आपके पास ईयरफोन्स हैं, आप ईयरफोन्स लगाकर इंटरव्यू दो, अपने माइक को अपने मुँह के पास रखो, ताकि आपकी जो बात है वो क्लियरली रिक्रूटर को समझ आ सके और कोई भी मिसकंसेप्शन या कोई भी ऐसे कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो सके। और जो लास्ट चीज़ जिसका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है जब भी हम एक वर्चुअल इंटरव्यू दे रहे हैं, वो ये कि आपके पास एक नोटपैड होना चाहिए। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिक्रूटर बता रहा है कंपनी के बारे में कुछ, और आपके मन में कोई सवाल आया है और आप सोच रहे हैं कि मैं लास्ट में ये सवाल पूछूंगा जब मुझे मौका मिलेगा, तो आप एक नोट बना के रख लीजिए। या तो क्या होगा कि आपके दिमाग में वो सवाल घूमता रहेगा, जिसकी वजह से आप अच्छे से जवाब नहीं दे पाएंगे, या फिर आप उस इंपॉर्टेंट सवाल को भूल जाएंगे। तो इसीलिए नोटपैड हैंडी रखें, ताकि जो भी पॉइंटर्स हैं वो आप बना सकें, कोई फॉलोअप क्वेश्चंस हैं वो आप नोट कर सकें। और इस तरीके से जब भी आप एक वर्चुअल इंटरव्यू दे रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखें, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज में आपका आई कॉन्टैक्ट, आपका पोस्चर, आप किस तरीके से ड्रेसअप हो रहे हैं, आपकी स्माइल और आपका हैंड जेस्चर्स को ध्यान में रखें, प्लस जो वीडियो एटिकेट्स हैं, जैसे कि आपका बैकग्राउंड, आपका इंटरनेट कनेक्शन, आपका ये लैंडस्केप मोड में बात करना, और इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक वर्चुअल इंटरव्यू को या एक वीडियो कॉल पर इंटरव्यू को भी अच्छे तरीके से क्रैक कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आप ऐसे और कौन से टॉपिक्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपके किसी दोस्त का आने वाले दिनों में एक वर्चुअल इंटरव्यू है, वीडियो कॉल पर इंटरव्यू है, तो आप उनसे ये वीडियो शेयर करें। और अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है, तो आप जोश स्किल्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पोकन इंग्लिश को और बेहतर करने के लिए, अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन की तैयारी को शुरू करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारी एप्लीकेशन पर जाकर अपनी तैयारी शुरू करें।